हेलो स्टूडेंट, आज 31 दिसंबर है। आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग जीवन में बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, क्या करना आगे ये सोचते हैं। और लास्ट ईयर भी मैंने आपके साथ सेशन शेयर किया था, आज भी करूंगा। आज यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, वो अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताएंगे। मैं चाहूंगा कि आप उनको सुनें, क्योंकि आप में से कई सारे लोगों ने मुझे पहले से मैसेज किया कि सर जिस तरह का सेशन आपने लास्ट ईयर लिया था, इस बार भी जरूर शेयर करना। तो मैं सारे स्टूडेंट के जो स्टेटमेंट हैं एक एक करके आपको सुनाऊंगा, एक साथ पूरा सेशन शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि एक साथ शेयर करूंगा तो आप वो चीज नहीं समझ पाएंगे। मैं चाहूंगा कि मैं हर एक स्टूडेंट के जो यहाँ पर जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, क्योंकि हर लोगों की लाइफ में आप देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ होता है। कई बच्चे बहुत अलग अलग प्रॉब्लम से फेस करते हुए यहाँ आते हैं। आज इंडिया के लगभग हर जगह से बच्चे यहाँ पर हैं और वो आपको अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे। आप जब सुनेंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं रियलाइज होगा कि ऐसी ही कुछ लाइफ में प्रॉब्लम हमारे हो सकती है, आप रिलेट कर पाएंगे। हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, पर हर एक को ये लगता है कि मेरी लाइफ की प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं होता है। हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ना कुछ अपडाउन होते हैं। किसी की लाइफ अच्छी चलती है, किसी के साथ कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती है, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है। तो मैं आपके साथ ये सेशन धीरे धीरे शेयर करूंगा। आप उन बच्चों के सेशंस को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि हर एक के साथ कुछ ना कुछ हुआ है और फिर भी वो आगे बढ़ गया। वही चीज मैं चाहूंगा आप लोग भी करें। तो ये दिन आपके लिए अच्छा दिन है, तो आप सब लोग भी इन सेशंस को बहुत अच्छे से सुनिएगा और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करिएगा। और आप सभी को सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूंगा। नए साल के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और ना केवल 2020 बल्कि आपका पूरा जीवन बहुत अच्छा हो, ऐसी ही शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और अब मैं सेशन स्टार्ट करूंगा, उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा, फिर उसके बाद बच्चे अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। उन एक्सपीरियंस को आप लोग सुनिएगा और वो डे बाय डे मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप समझ पाएंगे। वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम शेयर करते हैं मुझसे और उन प्रॉब्लम्स के मैं सॉल्यूशंस की तरफ भी बताता हूं कि क्या चीज है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और आप भी अपनी लाइफ में जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, प्रॉब्लम से ज्यादा उसके सॉल्यूशन की तरफ देखेंगे तो शायद आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। और मेरा एक बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि जीवन में हर प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं सॉल्यूशन होता है, और इनफैक्ट सॉल्यूशन पहले होता है फिर प्रॉब्लम होती है। इसी तरह से आप अपनी लाइफ को देखेंगे तो आपको जीवन में कभी निराशा हाथ नहीं होगी। तो इसके साथ ही मैं सेशन स्टार्ट करना चाहूंगा। आज 31 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन है ना, और साल के आखिरी दिन हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर से कुछ ऐसा करेंगे। मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर दूं कि कल और आज में केवल अंतर होगा तो एकेडमिक कैलेंडर का अंतर होगा। 1 जनवरी आपका जीवन नहीं बदलने वाली, आपके थॉट आपका जीवन बदलने वाला है। तो एक सिंगल थॉट, इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि नया साल आपके लिए बहुत अच्छा हो, मैं बोलूंगा जीवन में आने वाला समय बहुत अच्छा हो आपके लिए। क्योंकि अगर नए साल तो हर साल आते हैं और बहुत साल निकल गए, बहुत साल आ गए, क्या एक ऐसी चीज है जो इस साल आपको बिल्कुल माइनरली बहुत ही अच्छे से समझना है और आगे क्या क्या चेंज लाना है। आप हर 31 दिसंबर को याद करो कि सोचते हो कि मैं अब नए साल से ऐसा करूंगा। सबसे पहले डिसाइड ये करना है कि वो एक्चुअल में किया है या नहीं किया है, है ना। नहीं किया कोई बात नहीं, क्योंकि अब आप पीछे जाके तो नहीं कर सकते कि 2018 के 31 दिसंबर को मैंने सोचा था कि मैं 2019 से ये करूंगा। करा है तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं है, पर अब कर सकते हैं ना। तो वो एक चीज है जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा आपको चेंज लाना चाहिए, जो मैंने अपनी लाइफ में फील किया है। केवल एक सिंगल वर्ड आपकी इंटायर लाइफ चेंज कर सकता है, वो है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड जानते हो ना, बहुत लोग एटीट्यूड बोलते हैं पर उसको जानते नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना ये बहुत एटीट्यूड दिखाता है, उस एटीट्यूड की बात नहीं कर रहा मैं, इसमें बहुत एटीट्यूड भरा हुआ है। बोलते हैं ऐसा, हम बोलते हैं अक्सर, पर वो एटीट्यूड का मतलब क्या होता है वो पता होना चाहिए। एक वर्ड आपकी इंटायर लाइफ को चेंज कर सकता है, और मैंने अपनी लाइफ में ये चीज देखी है, खुद से फील की है। मैंने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि कितने लोग साथ में चल रहे हैं। मैं सोचता हूं जो आखिरी तक जाएगा वो जीवन में हमेशा सफल होगा। एटीट्यूड होना चाहिए बहुत ही स्ट्रांग और पॉजिटिव, वो एटीट्यूड नहीं जिसे हम बोलते ना एटीट्यूड दिखा रहा है, वो नहीं। और सबसे खास बात यह है कि हर एक इंसान के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होता है पर उसे पता नहीं होता है। आप लोग हमेशा मेरे पास आते हो ना अपनी प्रॉब्लम्स लेके, बहुत सारी, डर लग रहा है,
पढ़ाई नहीं हो पा रही है, एग्जाम में रिजल्ट नहीं आ रहा, ऐसी बहुत सारी चीजें बोलते हो। आपको ऐसा लगता भी कि मैं बहुत निगेटिव सोचता हूँ, मेरा एटीट्यूड बहुत निगेटिव है, पर एक चीज बताऊं मैं आपको, आप लोगों के सबके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है, बहुत भरा हुआ है, पर वो आपको पता नहीं है, वो आप लोगों को एक्चुअल में पता नहीं। तो मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दे रहा हूं जिनसे आप शायद रियलाइज कर पाओगे कि आपके अंदर एटीट्यूड है, आपके अंदर कोई डर नहीं है, फिर भी पढ़ते समय आप बोलते हो डर लग रहा है। आप ये बताओ, सब लोग गाड़ी चलाते हो? चलाते हो? अगर कोई भी इंसान कोई भी गाड़ी चला रहा है, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, साइकिल भी चला रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है, क्योंकि आपको पता है एक मिस्टेक से आपकी जान जा सकती है, फिर भी आप डरते हो क्या? कोई भी व्हीकल जो बनता है ना, कोई भी व्हीकल, आप जब ट्रेन में बैठते हो, आप प्लेन में बैठोगे, आप कार में बैठोगे, किसी भी चीज में जाओगे, तो एक्सीडेंट हो सकता है ना, उस दुर्घटना से क्या हो सकता है, आपकी हो सकता है जान चली जाए, हाथ पैर टूट जाए, कुछ भी हो सकता है, पर आप क्या कभी गाड़ी चलाना छोड़ते हो इस डर से? नहीं छोड़ते। कभी भी आपने इस डर से टू व्हीलर चलाना छोड़ा कि एक्सीडेंट हो जाएगा? हम रोज सुनते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, कई सारे एक्सीडेंट हुए, लोगों की जान चली गई। कितने लोग हैं जिन्होंने गाड़ी चलाना छोड़ दी? प्रॉब्लम एटीट्यूड की कहीं पे भी नहीं है। मैं बहुत बिल्कुल पॉजिटिवली बात कर रहा हूं आपसे, और इसका मतलब समझो कि एटीट्यूड का प्रॉब्लम है ही नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड भी है आपके अंदर, पर आपने कभी उस चीज को समझा नहीं। आप कभी प्लेन में बैठोगे ना, तो प्लेन में बैठने के बाद वो ये नहीं बोलते कि आप सुरक्षित पहुंच जाएंगे, वो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इमरजेंसी लैंडिंग में क्या क्या करना पड़ेगा, कितने गेट हैं, लाइफ जैकेट कहाँ है। आप मोटर बोट में बैठोगे तो आपको लाइफ जैकेट पहनाई जाएगी ना। कहीं पे भी ये नहीं बोलते कि आप एंड पॉइंट तक पहुंच जाओगे, बल्कि वो आपको बचने के उपाय बताते हैं। फिर भी कोई भी इंसान प्लेन से नहीं उतरता, शिप से नहीं उतरता, गाड़ी से नहीं उतरता, कार से नहीं उतरता। सीट बेल्ट क्यों बांधते हैं, क्यों बनवाते हैं, हेलमेट क्यों पहन रहे हो आप, क्या जरूरत है? मतलब हेलमेट पहन रहा मतलब अपनी सेफ्टी के लिए ना। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक बात यह भी मैसेज दे रही है कि अगर बाई चांस कहीं दुर्घटना हुई तो आप के हेलमेट की वजह से आपकी जान या सर पे चोट ना आए ना। पर आप इन चीजों को छोड़े, कभी आपने छोड़ा है? तो फिर एग्जाम से क्यों डर लगता है? एटीट्यूड है, और पॉजिटिव एटीट्यूड है, और हर इंसान के अंदर है। मैंने देखा बहुत ही कम लोग, कुछ लोग होते हैं सही में गाड़ी नहीं चला पाते, उनमें होता है निगेटिव एटीट्यूड। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टू व्हीलर नहीं चला पाते इस डर से कि सामने गाड़ी आ जाएगी तो क्या होगा। कई लोग सही में प्लेन में बैठने से डरते हैं, उनमें होता है निगेटिव एटीट्यूड। एक वर्ड आपकी इंटायर लाइफ अगर बदल सकता है तो उस वर्ड को अपने अंदर जीवन में उतारना चालू करो। 1 जनवरी से कुछ करना ऐसा नहीं सोचना। एटीट्यूड तो वो है कि हमने इस पल डिसाइड किया, अब हमें आगे पीछे मुड़के नहीं देखना। और सफलता का सही मायना ये नहीं है कि आप सिलेक्ट हुए तो आप सफल हो और फेलियर हो गए तो आप अनसक्सेसफुल हो। सफल तो आप उस दिन हो जाओगे जिस दिन आप में यह एटीट्यूड हो जाएगा कि मैं अपना वर्क पूरा ईमानदारी से करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। आप दुनिया के हजारों लोग देखना, हजारों लोग जिनने जीवन में जो चाहा था वो तो बने नहीं, पर उसकी जगह कुछ और बन गए और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गए। उसका कारण है कि उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। वही चीज आपके अंदर आना चाहिए। आप यहां आए हो ना, आप बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड काम करना छोड़ दो, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना छोड़ दो, क्योंकि मैंने अभी जो वर्ड बोला, आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं करते। आप ये बात बिल्कुल श्योरली बोल सकते हो कि मैं यहां से गाड़ी चलाऊंगा तो घर पहुंच जाऊंगा, पर आप ना तो ये सोचते हो और ना कभी ये प्रॉब्लम आती है, आप रोज अपने घर पहुंच जाते हो, है ना। और यही चीज हमारे एटीट्यूड में होना चाहिए कि हम अपना 100% देंगे, जो होगा देखा जाएगा, उसकी परवाह नहीं करना। आप अपने जो भी जीवन में, ये तो आज एग्जाम है, आगे जाके जॉब होगा, फैमिली होगी, सब कुछ होगा, तो हर जगह पे यही एटीट्यूड डेवलप करना। और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके रिवर्स में जाके ही होता है। तो अगर आप रिवर्स में जाओगे तो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हों, तो आप सोचो कि अगर आप पेरेंट्स होते तो आप अपने बच्चे से क्या क्या एक्सपेक्ट करते। बहुत इंपॉर्टेंट और डीप बात बता रहा हूं कि आप अपने बच्चे से क्या क्या एक्सपेक्ट करते, वो क्वालिटी आप में है या नहीं है। अगर वो है तो समझ लो कि आप फिर पेरेंट्स से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, पर वो भी नहीं करना है। वो क्वालिटी है और आप पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, वैसा पेरेंट्स आपको बनना है। वैसे पेरेंट्स आपके बने नहीं,
वैसा पेरेंट्स आपको बनना है ना, वो एक सोच होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि यार मेरे टीचर्स ये सब करवा दें, तो ऐसे सोचो कि अगर आप टीचर होते तो आप अपने स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करते। सबसे पहले ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या एक्सपेक्ट करते। आप एक टीचर की तरह सोचो कि मैं अगर अपने स्टूडेंट को, मैं आप सोचते हो ना कि सर को ये करवाना चाहिए, मैं एक जनरल बात बता रहा हूं। पहले आप सोचो, अब आप टीचर हो और आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो आप उससे क्या क्या एक्सपेक्ट करोगे, और जो जो आप उससे एक्सपेक्ट करोगे ना, फिर सोचो कि वो मैं खुद कर रहा हूं या नहीं। अगर वो कर रहा हूं तो फिर आप समझ जाओ कि फिर आपका आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रिवर्स में जाके होता है, इसके अलावा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। और यही एक चीज मैं चाहूंगा कि आपको अपने अंदर चेंज लाना है, कि आपको प्रॉब्लम की तरफ नहीं सॉल्यूशन की तरफ देखना है। जीवन में मुझे इतने साल हो गए, आपको पता मुझे नेगेटिव सॉन्ग सुनने की आदत नहीं। कोई नेगेटिव सॉन्ग आता है बंद कर देता हूं, मैं नेगेटिव बात नहीं सुनता ना नेगेटिव कोई काम करता हूं। और मैंने देखा जीवन में आपका सोचने का तरीका ही आपकी इंटायर लाइफ को चेंज करता है। आप देखो कि कितने छोटे छोटे लोग आज, सबसे अच्छी बात है कि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को आपने देखा है, गांधी परिवार को आप देखो तो वो सब, उनको क्या मिला है, विरासत में मिला है ना। पर मोदी जी को देखो, कभी चाय की दुकान पे काम भी किया और आज पीएम भी है। और अकेले मोदी जी नहीं, ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत ऑड कंडीशन में कुछ कर दिखाया। तो केवल विल पावर ही है जो आपको आगे बढ़ा सकती है, आपका डिटर्मिनेंट ही है जो आपको आगे बढ़ा सकता है, आपका फोकस ही है जो आपको आगे बढ़ा सकता है। तो ये जो मैं आपके साथ आज सेशन लेना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आपको केवल दो चीजों पे वर्क करना है। एक, कोई भी जो नेगेटिव चीज आपको लगती है आपके अंदर है उसको छोड़ना है, और कोई एक ऐसी चीज जो आप चाहते हो कि अब मैं जीवन में अपने ये चेंज चाहता हूं, वो आपको बोलना है। बोलने से बहुत फर्क पड़ता है, और पब्लिकली बोलने से और फर्क पड़ता है, और ये चीज आपको इंटायर लाइफ को चेंज करेगी। ना केवल 2020 आपका जीवन का अच्छा होगा, बचे हुए पूरा पूरा लाइफ आपका अच्छा होगा अगर आप अपने अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे। कभी भी पीछे मुड़के मत देखो, क्योंकि जो निकल गया उसको तो आप बदल ही नहीं सकते। जो कुछ है ना, आगे कुछ पता है मुझे, जो कुछ है वो प्रेजेंट है। हमें अपने आज को अच्छा बनाना है, अभी इस समय को, बस इसको अच्छा बनाओगे तो पास्ट अपने आप अच्छा हो जाएगा। लोग बोलते हैं मुझे फ्यूचर अच्छा बनाना है, बोलता हूं गलत बोलते हो। मैं मानता हूं कि मुझे अपना पास्ट अच्छा बनाना है, फ्यूचर तो पता ही नहीं ना, किसी को भी नहीं पता। हम जितने लोगों की बात करते हैं जीवन में सक्सेसफुल लोगों की, वो सब उनके क्या है, पास्ट है। आप बता दो कैसे बोल सकते हो, फ्यूचर थोड़ी बता सकते हो। तो आप अगर कभी ये बोलते हो मुझे फ्यूचर को ये सुधारना है, ये करना है, ये करना है, गलत बोलते हो। यहीं से प्रॉब्लम चालू होती है। मुझे अपने पास्ट को इस तरह से देखना है, ये वर्ड होना चाहिए आपको। और उसका वर्क कहां पर होता है, उसका वर्क होता है प्रेजेंट में। तो आप अपने अंदर अगर आज से कोई एक चेंज लाना चाहते हो, तो वो ये कि कोई भी रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं करेंगे, कोई भी रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, नॉलेज ओरिएंटेड काम करेंगे। जीवन में कुछ ऐसा करेंगे कि अच्छा कर पाए। एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है, अच्छा इंसान बन गए तो आप अपने आप ही आगे बढ़ जाओगे। और सबको नहीं सुधारना, किसी बाजू वाले को नहीं, एक अच्छा इंसान, अगर आप एक अच्छा इंसान बन गए तो दुनिया में एक इंसान बढ़ जाएगा अच्छे में, और एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। ये बात आप याद रखो। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस एक्चुअल में शेयर करो, और वो चेंजेस अपने अंदर जो आप देखना चाहते हो वो बताओ, और उसके लिए आपका एक्शन प्लान क्या, और उसमें जो चीजें लगेंगी मैं साथ में आपको सपोर्ट भी करूंगा और बताऊंगा भी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं।